आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला यादव महासभा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपरांत जन्मोत्सव के पूर्व आरंभ किया गया कार्यक्रम का समापन 31 अगस्त शनिवार को किया गया। गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और उस शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में यदुवंशी समाज के सदस्यों के द्वारा हिस्सा लिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह बहुत उन धार्मिक भावना के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा नृत्य किया जा रहा था और जनप्रतिनिधि और यादव समाज के जिला अध्यक्ष अरुण यादव यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कांग्रेस के सदस्य यहाँ क्यों नहीं हैं। लोगों में चर्चा इस बात की भी बनी रही कि कांग्रेस के सदस्य यहाँ इस शोभा यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुए। वैसे देखा जाए तो सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और सदस्य शोभा यात्रा किसी भी धर्म संप्रदाय के उसमें शामिल होते हैं और अपना धर्म भाव प्रदर्शित करते हैं। पर यहाँ देखिए पूर्व विधायक नरेश देवाकर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह आपको दिख रहे होंगे और शुक्रवारी का ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। शुक्रवारी में देखिए कितना मनमोहक नृत्य यहाँ पर करते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यादव महासभा की जिला इकाई के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शनिवार 31 अगस्त 2024 को इसका पूरे इस कार्यक्रम का समापन किया गया। देखिए पारंपरिक ढोल बाजे इनके साथ में पारंपरिक नृत्य करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे यादव समाज के सदस्य। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की या नेताओं की कमी यहाँ खली। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी यहाँ नहीं पहुँचे, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी नहीं पहुँचे और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा किसी प्रतिनिधि को अगर भी कहीं व्यस्त थे या रहे होंगे तो उन्हें अपने किसी प्रतिनिधि को यहाँ अवश्य भेजना चाहिए था आधिकारिक तौर पर। बहरहाल ये देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं मंचासीन सभी अतिथि और कितना सुंदर यहाँ नृत्य और एक गाय का गौवंश का वेश धरकर गौवंश की लगभग प्रतिकृति बनाकर देखिए कितने सुंदर तरीके से नृत्य यहाँ पर किया जा रहा है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आपको होता हुआ दिख रहा होगा। कितना सुंदर यहाँ पर 21वीं सदी के तीसरे दशक में आप इस तरीके के नृत्य की वो भी किसी अवसर पर ऐसी कल्पना शायद ही कर सकते हो। पर यहाँ पर ये उस धार्मिक भावना के साथ यहाँ नृत्य करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। वास्तव में बहुत मनमोहक नज़ारा आपके सामने शुक्रवारी में दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर आरंभ हुए सारे के सारे कार्यक्रमों का लगातार ही ये कार्यक्रम चलते रहे और यादव महासभा के द्वारा इस बार विशेष आयोजन कराए गए हैं। जिला यादव महासभा के अध्यक्ष अरुण यादव के द्वारा समाचार एजेंसी फिने से जब चर्चा की गई उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने यादव महासभा के द्वारा चूंकि सामाजिक कार्यक्रम था सभी दल सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रण भेजा था उनके द्वारा ये बताया गया। पीछे देखिए गौवंश कितना सुंदर दिख रहा है और यहाँ पर बालिकाएँ कितने सुंदर तरीके से नृत्य करती हुई दिख रही हैं और मंच पर देखिए अब स्वागत की बेला आरंभ हुई है।
स्वागत किया जा रहा है। रथ यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है, रथ धीरे धीरे आगे भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। वास्तव में धार्मिक पूरा माहौल, के यादव सर भी यहाँ बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे इस रथ के ऊपर, धार्मिक माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए कितनी सुंदर मुद्रा में आपके समक्ष यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर आप देखिए, ये पूरी की पूरी शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, अधेड़ सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यादव महासभा के इस कार्यक्रम का समापन शनिवार 31 अगस्त 2024 को किया गया। यहाँ पर धार्मिक गानों की, धार्मिक गीतों की धुनें बज रही हैं और सभी यहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए, नृत्य करते हुए नजर आ रहे होंगे, भक्ति भाव से झूमते नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।